Maker Way. Hello friends, welcome back to our YouTube channel, that is Study Material. So as you know that in the previous video I have shared my interview experience of TCS. If you haven't watched that video, you can go into the description box and watch that video. And I have also provided the link of that video in the card. You can watch from there as well. Okay, so friends, moving ahead. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जावा प्रोफाइल से हूँ, तो मैं यहाँ पे सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है जावा रिलेटेड है कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दी ब्रांच। आई मीन टू से अगर आप CSIT के भी हैं, नॉन CSIT के भी हैं, तो भी आपसे कोई क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर से मैंने मार्क करके रखे हुए हैं ना, ये स्पेशली नॉन CSIT के लिए, और जो बाकी के क्वेश्चन है CSIT नॉन CSIT सब कर सकते हैं। अगर नॉन CSIT वाले ये वाले क्वेश्चन सारे कर सकते हैं तो बेटर है, बाकी ये वाले तो करके जाना ही चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ जो मेरे से भी पूछे गए और जो आपसे भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, जी मैं यहाँ पे जावा प्रोफाइल को कवर कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा है JDK JVM JRE, तो कोई C ब्रांच किसी ने C लैंग्वेज पढ़ी या फिर C++, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि है क्या, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मैं जावा प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे देखा है TCS इंटरव्यू क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, तो TCS बस में नहीं, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट, इवन पर्सिस्टेंट, तो ऐसी कोई भी कैपजेमिनी, कोई भी मास रिक्रूटर जो कंपनी है उसमें यही सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आप केवल TCS, अगर आप विप्रो के लिए भी पेपर देने जा रहे हैं तो भी आप मेरी वीडियो को देखिए और आपको काफी हेल्प मिलेगी, ओके। तो मूविंग एट, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन है डिफरेंस अमंग द JDK JVM JRE, तो ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे से TCS में पूछा गया था, JDK JVM और JRE में डिफरेंस बताना था, तो ये वाले क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस CSIT वालों को भी आना चाहिए और नॉन CSIT स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरे लिस्ट और वेक्टर, तो एरे लिस्ट और वेक्टर आपको पता है कि कलेक्शंस का पार्ट है, ठीक है। तो कलेक्शंस वगैरह जनरली है ना CSIT नॉन CSIT स्टूडेंट से ही पूछते हैं, तो नॉन CSIT स्टूडेंट्स अगर इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ArrayList आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनाइज नहीं होता है, वेक्टर सिंक्रोनाइज होता है, इस तरीके से और भी जो डिफरेंस है वो आपको बताना। ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे TCS इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि TCS इंटरव्यू मेरा टेलीफोन हुआ था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज कलेक्शंस, तो कलेक्शंस आपको पता होना चाहिए कलेक्शंस में क्या क्या होता है, ठीक है। ट्रीज होता है क्या, ट्रीज क्या होता है, क्यूज क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, सेट्स क्या होता है, हैज मैप क्या होता है, मैप के बारे में पूरा आपको, मैप का पूरा जो हायरार्की है वो भी आपको पूरी पता होनी चाहिए। मैं ये CSIT की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने रेड मार्क नहीं किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया जिसमें रेड मार्क है वो नॉन CSIT वाले इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पे बात करते हैं बेसिक प्रोग्राम, तो बेसिक प्रोग्राम कोई भी है CSIT से भी पूछ सकते हैं नॉन CSIT से। बेसिक प्रोग्राम की बात करूँ मैं पहले आपको बता दूँ कि नॉन CSIT से बेसिक प्रोग्राम क्या हो सकती है, स्वैप करना है आपको, स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, ये प्रोग्राम इस तरीके से पूछ सकते हैं, स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग ओनली 2 वेरिएबल्स, आपको तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है तो स्वैप करेंगे कैसे 2 नंबर को, वो आपको पता होना चाहिए। अगर 2 नंबर को स्वैप करना है तीसरे वेरिएबल से तो वो कैसे करेंगे। बेसिक प्रोग्राम में पैरेंट नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ज्यादा से ज्यादा नॉन CSIT से प्राइम नंबर तक ही जाएगा इंटरव्यूअर, प्राइम नंबर से ज्यादा मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, प्राइम नंबर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो और इवन ऑड के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिक प्रोग्राम आपको देख के जाना है, ठीक है। मैंने आपको अभी ऑलरेडी नाम बता दिया और आपको अलग से बेसिक प्रोग्राम्स की एक लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रोग्राम्स यूजिंग रिकर्सन, तो रिकर्सन की थ्रू प्रोग्राम आपसे पूछ सकते हैं। जनरली ये वाले क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, नॉन CSIT स्टूडेंट से भी बहुत ही कम पूछते हैं, तो लेकिन फिर भी अगर आपको ये आते हैं तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। सर्चिंग सॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्चिंग सॉर्टिंग जरूरी नहीं है कि आपको अगर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना आता है, लेकिन एक्चुअली आपको सारी सर्चिंग सारी सॉर्टिंग आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम होती कैसी है, मतलब आई मीन टू से कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे वर्क करती है। अगर आप उसका लॉजिक नहीं लिख पा रहे तो आप उसको इंटरव्यू में बोल सकते हो सर मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है, आई मीन टू से, और मैंने इसके प्रैक्टिकल्स नहीं करे हैं, प्रोग्राम्स वगैरह इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो वहाँ से तो बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगी, चलो आपको कुछ तो आता है एटलीस्ट। तो इसलिए अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको पढ़ के जाएं कि उसको करते कैसे है, एक्चुअलिटी में होता क्या है, ठीक है। ऊप्स कंसेप्ट की बात करूं तो ये CSIT नॉन CSIT स्टूडेंट्स के लिए, फिर से मैंने बोला यहाँ पे रेड मार्क है, तो नॉन CSIT के लिए भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ऊप्स कंसेप्ट आपको पता है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब होता है, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरहाइडिंग क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं बात करता हूँ लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि कलेक्शन क्या होता है, तो कलेक्शन के अंदर भी लिंक लिस्ट स्टैक क्यू आता है, लेकिन यहाँ पे जो अपन कलेक्शन जब जावा में पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते एल्गोरिथम के, डायरेक्ट अपन को बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, करेक्ट। लेकिन अपन यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे लिंक लिस्ट स्टैक क्यू, जो CSIT के लिए अगर प्रोग्रामर की सनक थोड़ा सा भी अगर उसने कहा कि सिंगली लिंक लिस्ट आप इम्प्लीमेंट करके दिखाओ बेसिक प्रोग्राम स्टैक क्यू, तो ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग फंक्शंस आप यूज कर रहे हो क्लासेस के, यहाँ पे वो आपसे बोल रहा है कि आप लिख के दिखाओ जो आप C++ में एक्सप्लिसिटली यूज करते हो, ठीक है वो वाले। आगे बढ़ते हैं अपन 9th नंबर पे SQL क्वेरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है CSIT के लिए, तो मस्ट है, आना ही चाहिए SQL क्वेरीज, है ना। तो SQL क्वेरीज में क्या होता है जनरली आपसे हैविंग क्लॉज पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जॉइंस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मेरे से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन हुए थे जॉइंस पर हुए थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SQL में मेरे ख्याल से जॉइन, और बाकी आप DQL क्वेरी जो भी वगैरह होती है वो आप सब पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये नॉन CSIT स्टूडेंट्स अगर इसको कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। W3 स्कूल से वो लोग गो थ्रू कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दिन लगेगा मैक्सिमम, एक दिन अगर वो ढंग से बैठेंगे करने के लिए 6 से 7 घंटे में एक दिन में पूरी SQL क्वेरीज हो जाएंगी विद प्रैक्टिकल। W3 स्कूल में सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। 10th नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंटर्नशिप। तो मैंने जैसा कि अपनी इंटर्नशिप अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग वर्कशॉप ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे इंटरव्यू में भी वही हुआ था, मैंने रिज्यूमे में वही लिखी थी जो मुझे आती थी, जिसके बारे में मुझे नॉलेज था कि मैं यहाँ पे अपने बारे में बोल सकूँ इन सबके बारे में। तो आपको वही लिखनी है अपने रिज्यूमे में, और आपको उनके बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो पता हो। अगर आपने इंटर्नशिप करी हुई है 15 दिन की, तो 15 दिन के हिसाब से आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने वर्कशॉप 2 दिन की करी है ना, तो आपको 2 दिन के हिसाब से उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और बात करता हूँ अगर प्रोजेक्ट की, अगर आपने प्रोजेक्ट एक मेंशन किया ना, अगर आप CSIT से हो नॉन CSIT से हो उससे मैटर नहीं करता। अगर आपने प्रोजेक्ट लिखा है तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट है बनाया, सर हम 3 लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने सर बैक एंड पार्ट डेवलप किया तो मुझे फ्रंट एंड के बारे में नहीं पता, आप रिजेक्ट हो जाओगे। क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपने बनाया है ना, ग्रुप में बनाया, तो आपको उसका पूरा फ्लो पता होना चाहिए ना, बैक एंड में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, सब कुछ आपको उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल पता होनी चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हो आप, जैसे आपने बैक एंड डेवलप किया लेकिन आपको फ्रंट एंड के बारे में ज्यादा नहीं है पता, तो आप बोल सकते हो सर मैंने बैक एंड का पार्ट किया, मैं बैक एंड में था, तो फ्रंट एंड के बारे में थोड़ा मुझे आइडिया है कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, लेकिन बैक एंड आई एम श्योर दैट आई नो एवरीथिंग, ओके। तो इस हिसाब से आप डील कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिनाई कर दो सीधे, सर सॉरी सर आई डोंट नो द फ्रंट एंड, ओके। तो प्रोजेक्ट्स पे सबसे ज्यादा आपको वर्क करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ही बनता है। तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखें तो मेरा जो कॉग्निजेंट का इंटरव्यू था ना, पूरा प्रोजेक्ट पे हुआ था, बिल्कुल कोई मेरे से इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। कॉग्निजेंट के इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, TCS में मेरे से ऊपर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ बेसिक SQL क्वेरीज पूछी गई थी और कुछ नहीं था TCS इंटरव्यू में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ना कि केवल TCS, कॉग्निजेंट, Infosys, Wipro, ये मास रिक्रूटर सभी कंपनीज में अप्लाई होते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बी ऑनेस्ट विद योर रिज्यूमे। रिज्यूमे में आपने जो जो मेंशन किया है उसको आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपने कोई हॉबी लिखी नेटबॉल, आपने हॉबी लिखी, सॉरी मेरा थोड़ा मार्केट डिस्टर्ब है, आपने हॉबी लिखी नेटबॉल, तो नेटबॉल क्या है, मेरी हॉबी है नेटबॉल, ठीक है, मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरी हॉबी है नेटबॉल और मैंने ये हॉबी लिखी थी। तो कॉग्निजेंट इंटरव्यू में 10 मिनट मेरा जो टेक्निकल रिक्रूटर था ना, उसने हॉबी के बारे में डिस्कशन किया कि एक्सप्लेन योर हॉबी इन डिटेल, 10 मिनट तक मैंने उसको हॉबी समझाई। अगर मैं यहाँ पे फालतू में हॉबी लिख देता अपनी, तो नहीं बता पाता आंसर, तो फिर गलत इंपैक्ट जाता ना। तो इसलिए रिज्यूमे के साथ आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, आपने जो लिखा है वो आपको आना चाहिए, आपने हॉबीज मेंशन कर रखी हैं आपको वो आनी चाहिए। अगर आपने कोई स्ट्रेंथ मेंशन करके रखी है ना, सर आई एम वेरी पॉजिटिव इन नेचर, दिस 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 दिस, ऑनेस्टी है, ये है वो है, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है आपका भाई एट द मोमेंट एक टेस्ट ले ले आपको टेस्ट करने के लिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आपने वो सही में लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो भी आपने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आपको ऑनेस्टी हर चीज में रखनी है। अगर आपने लैंग्वेज 3 लिखी है ना, HTML, CSS, जावा, कुछ भी लिखी है, अगर जावा, पाइथन, C, तो आपको वो आना ही चाहिए। अगर आपने केवल जावा लिखी है तो इट्स बेटर, बट आपको वो आना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 3 लिख दी आती 2 है, 3 लिख दी आती 1 है, तो उससे गलत इंपैक्ट जाएगा ना। आपने 3 लिख दी CSS, सर HTML, जावास्क्रिप्ट तीनों आती है और जावा भी आती है, अब उसने जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, आपको सर थोड़ा थोड़ा याद है, भूल सा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, गलत इंपैक्ट जाएगा। इट्स बेटर कि आप उसको हटा दो अपने रिज्यूमे से, है ना। तो अगर आप कम लैंग्वेज लिखते हो लेकिन आपको उसके बारे में सॉलिड आइडिया है, सब कुछ पता है, तो इट्स बेटर कि आप उसी के लिए जाएं, ठीक है। तो ऐसी ट्रेनिंग के लिए मैंने बताया था आपको, इंटर्नशिप के लिए वर्कशॉप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने वर्कशॉप करी है, कोई रोबोटिक्स की वर्कशॉप करी है, आपने एंड्रॉइड की वर्कशॉप करी है, आपने पाइथन की वर्कशॉप करी है, लेकिन आपको सपोज एंड्रॉइड की वर्कशॉप के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है जनरली। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एंड्रॉइड की वर्कशॉप करी थी लेकिन मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने वो रिज्यूमे से हटा दी थी। तो ये सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे जो मैंने लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, सॉरी। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और Geeks for Geeks से आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, IndiaBIX से कर सकते हो, सेल्फ फाउंड्री से भी कर सकते हो, RS अग्रवाल एक बुक आती है वहाँ से भी कर सकते हो, आर्यन पब्लिकेशन की इंग्लिश के लिए बुक आती है, SP बख्शी इंग्लिश के लिए बुक आती है, बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं। और यूट्यूब चैनल्स भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। अभिनव मैथ्स से राकेश यादव, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने जहाँ से प्रिपरेशन करी मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ और मुझे हेल्प मिली है तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिल सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिसोर्सेज बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।